हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर टू, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हिंदी में सरल रेखा एवं गति। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, तो आपके लिए ये यूजफुल है। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे और आंसर भी आपको बता देंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये आपके काम के लिए है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके, और इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और आपको जानकारी दे देते हैं दोस्तों कि इसी तरह से केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर आपका मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश वगैरह सभी का, मतलब सभी सब्जेक्ट का क्लास इलेवेंथ का आपका इस तरह का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, उसको आप ज़रूर जा कर के देखिए। और अगर आपको और भी कुछ चाहिए या फिर और किसी चैप्टर का, तो आप हमें ज़रूर बताए कीजिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम क्लास ट्वेल्थ में भी आपको मदद करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पर आपका फ़िलहाल तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस सब आप ज़रूर नोट कर लीजिए, ये आपके काम का है। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको NDA का हो गया, CDS का हो गया, JPSC का हो गया, JSSC का हो गया, फिर SSC, CGL, CHSL, ये सभी का क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ये सबको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा आपका ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका, हाँ ये रहा अभी और भी है, ये आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, और इसी तरह से आपका चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट का अपलोड करने का किया जा रहा है, उसको आप जा करके देखिए। और ये रहा अब आपका हिंदी में, वो तो था इंग्लिश में, ये सब आपका हिंदी में। ठीक है, इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि ये काम आ जाता है। चलिए, इस प्रकार से ये आपका रहा, देख लीजिए इसको। और हम लोग आगे बढ़ें, तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ये और आपका है, ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है आते हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर और आपका है, जो आपका हिंदी में है वो तो इंग्लिश में डायग्राम था, ये आपका हिंदी में है, राइट। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिजिक्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑफन यूज टू, तो इस चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही हो जाएगा। और ये रहा आपका हिंदी में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें लिखा हुआ है, फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो दो ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो दो ऑप्शन देख लीजिए फिलहाल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दो ऑप्शन और भी देख लीजिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिक्स, सिक्स में देखिए, अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर सेवन, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट, ये रहा क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ पर पढ़ लीजिए, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन व्हाट हैपेंस, तो और यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू इट्स स्पीड, ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका सही है, रिमेंस द सेम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नाइन है, लिखा हुआ, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट एक्सपीरियंसेज,
चार ऑप्शन इसके पास दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विथ। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। ये चार ऑप्शन में से कौन वेक्टर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्पीड इज कॉन्स्टेंट, वाट कैन यू से अबाउट इट्स एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, वाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। तो आप ये तो बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ सेम मास आर थ्रो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अ थ्रो अपवर्ड विथ वेलोसिटी वी एंड बी थ्रोन डाउन विथ वेलोसिटी वी, देन ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 है और ये हिंदी में रहा 16 का, चलिए इसके बाद है 17 है, इसमें लिखा हुआ अ कार ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन अ 4 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट कीजिए तो 90 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही डिफरेंस है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 19 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड, वाट कैन बी सेड अबाउट इट्स वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें, तो ये हिंदी में रहा, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, वाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट हो जाएगा वो सी आपका सही हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 21, इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम स्पीड बट डिफरेंट वेलोसिटीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, आपसे पूछा जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ रनर इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेवल किया गया है एक रनर के द्वारा, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से फिगर, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है, ये हिंदी में रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 23, ये रहा 23, इफ़ अ पोजिशन टाइम ग्राफ शो द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द पार्टिकल्स इज। तो दो ऑप्शन तो यहाँ पर है, ठीक है, और दो ऑप्शन और आपको हम दिखाते हैं, ये रहा और दो ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 24, ये रहा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्पीड इज कॉन्स्टेंट, वाट कैन यू से अबाउट इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 25, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है जो ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बताते हैं, तो ये दो रहा ऊपर में, दो नीचे, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है, ये हिंदी में क्वेश्चन था, ठीक है, तो हिंदी वाला भी वही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 26, ये रहा 26 में देखिए, टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट h1 एंड h2, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई देम टू रीच द ग्राउंड विल बी। तो ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 27, ये रहा 27, इक्वेशन ऑफ मोशंस इज अप्लीकेबल टू मोशन विथ। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। नेक्स्ट आपका 28 हो जाएगा,
वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम कर्व्स फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 29, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स वेलोसिटी, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो 30 हो गया, तो 30 में देखिए इसमें लिखा हुआ है अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 60 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट आपका है 31, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज दिस, और ये रहा आपका फिगर और ये आपका ऑप्शन, ठीक है। तो 31 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट आपका है अगला जो क्वेश्चन है आपका 32, तो ये हिंदी में देख लीजिए। चलिए इसके बाद 32 ये रहा, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल्स ओ ए एंड ओ बी इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन बिलो, तो फिगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए और इसका जो ऑप्शन होगा वो बता दीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 32 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। तो 1/3 सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ये रहा हिंदी में। इसके बाद है 33 में देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, तो कौन इसमें से रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है एक अ कैटरपिलर स्टार्ट्स ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर आवर इफ़ द रेट एट विच द स्पीड चेंजेज इज 0.1 मीटर पर आवर स्क्वायर, व्हाट इज द फाइनल स्पीड आफ्टर 10 आवर्स, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट आपका जो है वो 35 है, ये रहा 35, इन द फर्स्ट 10 सेकेंड ऑफ बॉडीज मोशन द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेज फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन इन m/s², ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, तो कौन इसमें से इक्वेशन है जो एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट आपका है 37 में देखिए कह रहा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका पूछा जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ें, ये आपका 38 है, विच ऑफ दिज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये जो स्टेटमेंट नीचे दिया कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं तो ये हिंदी में रहा, इसके बाद ये आपका 39 है, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 39 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 40 क्वेश्चन है, उससे पहले हिंदी में ये रहा, 40 क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अ कार स्लोइंग डाउन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 41, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल हाउ डज इट्स वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 42, ये रहा आपका 42, इसमें कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन फोर्स एंड मास एज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 43 में देखिए व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट आपका है ये रहा आपका हिंदी में। चलिए इसके बाद है 44 में देखिए क्या करा है अ क्वाइन एंड अ बैग फुल ऑफ रॉक्स आर थ्रोन इन अ ग्रेविटीलेस एनवायरनमेंट विथ द सेम इनिशियल स्पीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, बोथ विल ट्रेवल
विद द सेम स्पीड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है जीरो ग्रेविटी है, मतलब कोई ग्रेविटी ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ें तो आपका है 45। अगर दोस्तों आपको सॉल्यूशन भी चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो ये भी हम कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि सॉल्यूशन के साथ आपको बताएं, ठीक है। यहाँ पर मेरा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना, ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हैं तो उसका रिविज़न आपको यहाँ पर एक बार पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद 45 में आते हैं, तो 45 ये रहा आपका क्वेश्चन, लिखा हुआ अ बस मूव्स द फर्स्ट फ्यू मीटर्स ऑफ इट्स जर्नी विथ एन एक्सलेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड एंड द नेक्स्ट फ्यू मीटर विथ द एक्सलेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये हिंदी में रहा, ठीक है। इसके बाद ये 46 है, देखिए 46 में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। 46 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है ये रहा आपका हिंदी में, इसके बाद आपका ये 47 है, इसमें देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेनियर्स इज एक्सेलरेशन नॉट इन्वॉल्व्ड। तो ये आपका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा है। तो 47 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी, इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 48 में देखिए द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 49, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आपका है 50, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट द मोमेंट ऑफ रिलीज। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 0। इसके बाद ये रहा आपका हिंदी में, ठीक है। इसके बाद 51 क्वेश्चन नंबर है, तो इसको देख लीजिए, लिखा हुआ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा डाउनवर्ड की तरफ तब इसका क्या हुआ, तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका चार ऑप्शन, ठीक है। तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 0। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है हिंदी में, चलिए इसके बाद है 52, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम आर नॉन एज। तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 53, ये रहा 53 द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, ये किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी का कर रहा है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 54, ये रहा, इसमें देखिए क्या करें, विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नॉन। तो इसमें चार ऑप्शन है, उसमें से सही हो जाएगा आपका डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 55 में देखिए, तो ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें से पूछ रहा है, तो ये चार ऑप्शन है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, ये आपका हिंदी में रहा। चलिए इसके बाद है 56 में देखिए, तो इसमें लिखा हुआ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ विच इक्वेशन ऑफ मोशन इज कॉमनली यूज टू कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट इफ फाइनल वेलोसिटी इज नॉन। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, तो 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रहा आपका हिंदी में, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका 57 है, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ 15 मीटर हाइट क्लिफ विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्टोन टू हिट द ग्राउंड। तो चार ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आपका 58 है, इसमें देखिए फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो 58 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 59, तो ये रहा आपका 59, इसमें लिखा हुआ है
पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, तो 59 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है, ये रहा आपका हिंदी में। चलिए इसके बाद है 60 में देखिए लिखा हुआ द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज, तो 60 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका ये रहा हिंदी में, ठीक है, ये आपका 61 हो गया। इसमें देखिए कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम टेकन इट्स स्पीड, तो 61 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, ये रहा आपका 62, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ क्वाइन, इफ द क्वाइन फॉल्स बिहाइंड हिम द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ, तो चार ऑप्शन इसके पास दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका है 63, तो ये रहा आपका 63, यहाँ पर आपका 63 है। चलिए तो इसमें लिखा हुआ इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स द बॉडी हैज, तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है 64, ये रहा 64, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो 64 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है 65 में देखिए क्या करा है, द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन अ गिवन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ये रहा आपका हिंदी में, ये आपका 66 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 66 है, अ सिंपल पेंडुलम हैंग्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ ट्रेन, द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड टुवार्ड्स द रियर ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, तो 66 का आपको ऑप्शन दिखाते हैं, तो ये रहा 66 का चार ऑप्शन, ठीक है, और हिंदी में भी क्वेश्चन है, तो 66 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 67, ये रहा आपका 67, इसमें लिखा हुआ है अ बकेट इज प्लेस्ड इन अ इन द ओपन वेयर द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, इफ अ विंड बिगिन टू ब्लो एट डबल द वेलोसिटी ऑफ द रेन, हाउ विल द रेट ऑफ फिलिंग ऑफ द बकेट चेंज, तो चार ऑप्शन आपके पास है, तो 67 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ हिंदी में भी। चलिए इसके बाद है आपका 68, तो 68 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इफ़ पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवेन बाई दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये चार ऑप्शन दिया हो, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 69, इसमें लिखा हुआ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज और आर, तो चार ऑप्शन ये आपका स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट आप अच्छे से देख लीजिए और आपको हम दिखाते हैं ऑप्शन, तो ये रहा आपके पास चार ऑप्शन। ठीक है, तो 69 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है ये हिंदी में रहा। चलिए इसके बाद है 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट, तो चार ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका है 71, तो ये रहा आपका 71। देखिए 71 में बोला गया है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रोन ऑन पोजिशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द इंस्टेनियंस, तो चार ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 72, ये रहा आपका 72, इसमें लिखा हुआ अ बॉल थ्रू वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट एच रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड इट्स अ डिस्प्लेसमेंट एज, तो 72 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, ये रहा आपका हिंदी में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया 73, इसमें आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको पहचाना है, तो चार ऑप्शन आपके पास दिया, तो 73 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 73 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में ये रहा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है
ये आपका नेक्स्ट है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है 74, ठीक है। तो 74 में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एलेप्स्ड टाइम देन इट्स, तो चार ऑप्शन इसके दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, और ये रहा आपका हिंदी में, ठीक है। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर देते रहेंगे, तो आप मेरे साथ जरूर बने रहिए और लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।